दनांग के लिए, होयान से दनांग के लिए, और फिर वहाँ से हम जाने वाले दनांग से हो ची मिन्ह के लिए। बस का टिकट है उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे उनका जो ऑफिस है वहाँ पे गया। तो पहले तो मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरा बस कहाँ से मुझे बताओ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ना यहाँ पे राइट साइड में एक इनका ऑफिस है, इसके अंदर हमें ना एक वाटर बॉटल मिलने वाली है और USB सॉकेट मिलने वाला है चार्जिंग के लिए। सो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह इस बस की सीटिंग्स है, तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह हमें बैठना पड़ेगा। इतनी बड़ी कॉफ़ी है तो अच्छी है। फाइनली हम हो चुके हैं हो ची मिन्ह सिटी साइगांव। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सनी रिवरसाइड होमस्टे, और आज की हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है हुएन से लेके दानांग बाय कैब, फिर दानांग से लेके हो ची मिन्ह बाय बस। सो ये जर्नी आप देखने वाले हो, तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। मैं जब तक हो ची मिन्ह नहीं पूछता तब तक वीडियो को छोड़ना नहीं। और अभी हमने यहाँ से बनाई है इंडियन टी, फिर यहाँ के वियतनाम के ब्रेड पाव, देख सकते हो कितने बड़े पाव है तो ये, और हमने और भी एक ये दो बनाया जो कि मैगी है और एक है नूडल्स वेजी मनचाओ। तो ये सब अभी आज हम खाने वाले हैं। फाइनली हमारी कैब आ चुकी है, बाय। तो यहाँ से अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है दनांग के लिए, होयान से दनांग के लिए, और फिर वहाँ से हम जाने वाले दनांग से हो ची मिन्ह के लिए। ये हमने जो बुक की थी इसके पहले देख सकते हो पीछे मस्त वेगी सामान हमारा गया है, और पीछे हम बैठे नवाबों की तरह। okay? नवाब। अच्छा, फाइनली हमें बाय बाय बोलना पड़ रहा है होयान को। तो एक बात बोलना रह गई कि बाय द वे ये जो प्लेस है होयान वाला, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मेंशन होता है। सो काफ़ी खूबसूरत है ये वाला सिटी, और इट्स लाइक रोमांटिक एंड कलरफुल लाइट्स, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। मतलब ये एंशियंट और इसमें थोड़ा सा जापानीज लुक है एंड फ्रेंच लुक है, तो वो सुपर माइंड ब्लोइंग है। और यहाँ के जो ख़ास कपड़े हैं बहुत ही क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड आप यहाँ पे आके बार्गेनिंग भी अच्छे से कर सकते हो। सो गाइस अभी आप जो गाना सुन रहे हो वो कोई वीडियो के बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है, ये हमारे इस भाई ने अपने यहाँ पे लगाया है गाड़ी में ये सॉन्ग, तो इंडिया के सॉन्ग ये सुनते रहते हैं और हमें भी सुना रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया के गाने यहाँ पे सुने जा रहे हैं और अपना इंडिया का फील हो रहा है। 2 hours later यानी देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बस को हो चुकी है, और ये बारिश गिर रही है, पूरा बारिश से बेहाल हो चुके हैं। अच्छा भाई यहाँ पे इन्होंने पार्क किया है, यहाँ से हमारा पूरा जो सामान है वो यहाँ पे बाहर आ सकता है, और यहाँ से हमें भी टिकट दिखा के हमें बस जाना है। आई थिंक ऐसी कोई हमारी बस रहेगी, लेट्स सी, ऐसी रहेगी तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि ये स्लीपर पोजीशन है पूरा। सो गाइस हम यहाँ पे फाइनल पहुँच चुके हैं, और इन्होंने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया है हो ची मिन्ह टू दानांग, दानांग टू हो ची मिन्ह, ये उनका होते रहता है ट्रैवल। तो वो आपको ना लाइक अगर ऑनलाइन 4 lakh होता है, 5 lakh होता है, आपको 3 lakh 50 तक ये आपको लेके जा सकते हैं। मैंने जो नंबर ऐड किया डिस्क्रिप्शन में उनके थ्रू व्हाट्सएप पे आप उनको कॉल कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। सो गाइस यहाँ पे आने के बाद है ना मैंने क्या किया कि पहले ना मेरा जो बस का टिकट है उसको वेरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे उनका जो ऑफिस है वहाँ पे गया। तो पहले तो मैंने यहाँ पे पूछा कि मेरा बस कहाँ से मुझे बताओ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे ना यहाँ पे राइट साइड में एक इनका ऑफिस है पोंग ट्रैंक करके, तो वहाँ पे सामने मैं ऑफिस में गया, वहाँ से मुझे ये टिकट मिला है जिसके ऊपर टिकट का नंबर मिला है यहाँ पे, देखो दानांग और एन सॉन्ग, फिर ये बस नंबर है, बस नंबर के साथ यहाँ पे है कहाँ से जा रही है दानांग से और कहाँ जाएगी साइगांव। ये हो ची मिन्ह का हमारा डिपार्चर स्टॉप है, ये छूटेगी 2:05 मतलब 14:05, और ये पूरा इसके ऊपर लिखा है, देखिए इस टिकट का हमें चार्ज गिरा है 4 lakh VND, तो ये 1350 में हमें 4 lakh का टिकट मिला है, तो कुछ इस तरह यहाँ का।
टिकट सिस्टम रखा है और ये बस जाएगी तो कुछ ऐसे आवाज़ करते हुए जाती है, बहुत बड़ा आवाज़ किया, हम डर गए। देखो देखो फिर से यहाँ जाना भाई। बारिश ने हमारा मूड ख़राब कर दिया अभी भैया। यहाँ पे बारिश है ठीक है, वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, अगर वहाँ पे बारिश हो गई तो हमारा पूरा प्लान चौपड़ हो जाएगा। और ये कौन सी बस आई है, 62 नहीं है हमारा 75 है, ये बस हमारा नहीं है। तो गाइस यहाँ पे जो वेटिंग एरिया है देखिए कितना बड़ा एरिया है, ऐसा मतलब लमसम है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा वेटिंग एरिया है। और यहाँ पे ना लाइक अगर आपको कुछ लेना है स्नैक्स आइटम भी यहाँ पे, केक भी है, ये देखिए ये भी एक है सेक्शन जहाँ पे आप यहाँ के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। वाह ये तो पूरा शॉपिंग मॉल की तरह है, ये कैब भी रखे लोगों ने और यहाँ पे भी है, मतलब ये पूरा यहाँ पे ना आपको कुछ ये देखने मिलेगा। और यहाँ का क्लाइमेट देखिए अभी बारिश बढ़ गई है देख सकते हो। तो देखते हैं आगे बारिश का क्या सिचुएशन है हमारा, हम मतलब कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, आगे की जानकारी आगे दूंगा। अभी हमारी बस आई नहीं है, पर इन सब बसेस में से हमारी बसेस थोड़ी सी अलग लग रही है, पूरा ऑरेंज कलर है। और बाकी अगर बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट की और सीट्स की तो अंदर जाने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा कि बस कैसी है। तो अभी तक तो बस का जो दिख रहा है स्ट्रक्चर और बस जो दिख रही है वो कुछ इस तरह है। इसके अंदर हमें ना एक वाटर बॉटल मिलने वाली है और USB सॉकेट मिलने वाला है चार्जिंग के लिए। सो गाइस अभी हमारे बस का जो नंबर है वो 551B309-75, तो ये हमारी बस है। और ये बस देखिए अभी बजे कुछ 1:45, तो ऑन टाइम है बस, ऑन टाइम बस आ गई हमारी यहाँ पर। अभी इसमें हमारा सामान लोड करेंगे और फिर आ जाएंगे आगे। सो गाइस ये जो बस हमने बुक की थी ये 12 एशिया करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप ना ऐसे बस बुक कर सकते हो। तो 12 एशिया अगर आप इंडिया से भी मतलब अगर बुक करना चाहते हो तो इंडिया से बुक कर सकते हो, मतलब हमने तो इंडिया से बुक किया था, आप भी इंडिया से बुक कर लो। जी हमें वहाँ से 544 VND मतलब 544,000 VND चार्जेस पे करना पड़ा। और यहाँ से अगर आप बुक करोगे तो 400,000 VND में आप यहाँ से जा सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये मैंने एक्स्ट्रा पे किया क्योंकि एजेंट के थ्रू बुक किया इसके लिए। तो गाइस हमारे टिकट के साथ है ना यहाँ पे हमें एक वाउचर दिया है, ये देखिए ये वाला, इस पर लिखा कि 4 लगेज और हमारा सामान अंदर कुछ इस तरह रखा है। तो यहाँ पे हमारा सामान रखा है और अभी हम जाना बस के अंदर। तो पहले तो हमें ना यहाँ से शूज़ भी उतारना पड़ेगा, शूज़ उतार के जाना पड़ेगा अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरह इस बस की सीटिंग से, ये देखिए। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरह हमें बैठना पड़ेगा, दूसरा कैमरा पकड़। तो ये देखिए ये रखने के लिए ना मतलब ये एक ऑप्शन है यहाँ पे हम रख सकते हैं बैग। और ये यहाँ पे रहेगा, मैं सेट करता हूँ। और शूज़ के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो कुछ इस तरह मैं यहाँ पे भी सोच रहा हूँ। कैसे लग रहे हैं फिलहाल? तो अच्छा है, पर देखिए ये बैक वाला पोर्शन काफ़ी ऊपर है, तो ये बैक वाला पोर्शन काफ़ी ऊपर है, तो उसके बाद अभी देखना पड़ेगा कि बाद में क्या हालत होगी हमारी। ये हमारी जर्नी टोटल 14 आवर्स की है, मतलब 14 घंटे की जर्नी है। उस जर्नी में हमें ये पूरा मतलब बोलते हैं ना ऐसे ही बैठ के जाना है, और उसके अंदर कितने स्टॉप होंगे पता नहीं, और ऊपर से बाहर बारिश गिर रही है तो पेट गीला होने के चांसेस है। सो लेट्स एंजॉय द जर्नी। आपको मैं इस जर्नी के बारे में धीरे धीरे जानकारी देता रहूँगा। आपको मिडल सीट मिली है, इन लोगों को विंडो सीट मिली है। सो यहाँ पे हम ना इजीली बैठ सकते हैं, तो इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट्स है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस जर्नी को, मिलते हैं आगे। तो सीट का पोजीशन देखिए पूरा कुछ इस तरह है, और यहाँ से नीचे पैर रखने की जगह भी है। सो देखिए ऐसे ऐसे आपको पैर रखने की जगह है, तो पूरा कुछ इस तरह अरेंजमेंट से तो अच्छा है। सो गाइस इस बस के अंदर ना हमें बोला गया था कि USB सॉकेट मिलेगा, पर यहाँ पे कोई भी USB सॉकेट नहीं है देख सकते हो। यहाँ पे तो लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे AC का ऑप्शन है, पर कहीं पे भी USB सॉकेट का या फिर चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे अभी पानी बांटना स्टार्ट हुआ है, तो लेट्स एंजॉय द जर्नी।
Hồ Chí Minh. Chứ đỡ rồi mình như khách tay táo Quy Nhơn nó chở vô đó gọi là Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Thì Quy Nhơn nó chở vô đó Hồ Chí Minh luôn. ये क्या बोल रहे पता नहीं चल रहा है, वो चीन लू वो चीन लू बस इतना ही पता है, हमने भी बोला वो चीन है। और इसका फ्रेगरेंस भी अच्छा है, ये वेट टिश्यू है, वेट टिश्यू टूटा बस। और ये बॉटल भी उनके बस की तरफ से ही पैकिंग करके दिया है। तो गाइस यहाँ की सीट्स है ना, अभी आपने एसी देखी है, अभी इसको ना आप मैनेज भी कर सकते हो अपने हिसाब से अगर आपको बैठना है तो ये देखिए थोड़ा सा, हाँ तो कुछ ऐसे भी मैनेज कर सकते हो जिससे आप बैठ के अपनी जर्नी एंजॉय कर सकते हो। तो ये मैंने भी की है इस सीट को मैनेज ऐसे, और फिर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो बैठ के सो के भी। नाइस, ये कुछ नया दिखने मिला यहाँ पे। सो गए अभी 5 बजे और यहाँ पे देख सकते हो बारिश के कारण लाइक थोड़ा गीला ही है, कहीं के जगह पे बारिश गिरी कहीं के जगह पे बारिश नहीं गिरी है। तो यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रुकी है 5 मिनट के लिए। क्लाइमेट देखिए पूरा क्लाउडी है, बारिश तो अभी गिर नहीं रही है पर ना बारिश गिरने के चांस भी बहुत है, और बीच बीच में सूखा गिरा, बीच बीच में बारिश है। ये पूरा देखिए सर्विस देखिए इनका। तो भाई 2 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी हम पहुँचे वहाँ से लेके अभी तक कुछ 135 किलोमीटर हुए। तो 135 किलोमीटर मतलब 2 बजे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, 2 से 5, अभी हमारा और समझो 20 घंटा जर्नी बाकी है, 18 से 20 घंटे की जर्नी बाकी है। तो वही वेट करते हैं अभी। और यहाँ की सीटें ना, हमारी गर्दन दर्द नहीं लगी है, बैक पेन होने लगा है, ये थोड़ा कंफर्टेबल सीट नहीं है। सो अभी और हमें 20 घंटा इसमें ट्रैवल करना है, क्या होगा हमारा लेट्स सी, आपको बताएंगे आगे। 2:07 और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी है खाना खाने के लिए। सो खाना खाने के बाद यहाँ से गाड़ी रवाना होगी, तो चलिए बाहर जाते हैं। देखिए लाइट में कैसे दिखती है, बस कुछ इस तरह दिखती है। गाइस यहाँ पे जो बस जहाँ पे रुकी है उस जहाँ पे ना एक फूड स्टॉल है, फूड मतलब होटल है, जिसके ऊपर ना आप देखिए। सो ये सब यहाँ पे जो कि आप ट्रैवलिंग के दौरान ले सकते हो, ये पता नहीं ये क्या क्या है, ये सब हमको तो थोड़ा अलग लग रहा है, अजीब लग रहा है। ये भी है और हमने यहाँ पे ना यहाँ का जो राइस है एक विथ राइस वो हमने ऑर्डर किया, तो आने के बाद आपको बताएंगे वो कैसे है करके। तो राइस यहाँ से हमने ऑर्डर दी थी, क्या आया है वेजिटेरियन एग राइस, जिसके अंदर ऊपर एग है बीर, उसके बाद नीचे वेजिटेरियन और नीचे राइस, मतलब जैसा मेन्यू में लिखा था वैसा ही है, वेजिटेरियन एग राइस, तीनों को अलग अलग रख दिया है, मिक्स नहीं किया है। और ये हमने फ्रूट भी लिए 30,000 जो कि 30,000 डोंग और ये 50,000 डोंग, दोनों मिला के हो गए 80,000 डोंग। और कैसा है ये फ्रूट? ओहो अच्छा है, अच्छा चलो हम भी खा के देखेंगे, इसको भी खा के देखेंगे। पेरू बहुत अच्छा है, मैंगो कच्चा आम। यहाँ पे आके हमने मैंगो बहुत खाए है, और इंडिया में हम लोग मैंगो बोलते ना एक सीज़न के बाद छोड़ देते खाना, पर अभी ये सीज़न में लोग खाने मिले हम लोगों ने फिर से खाना स्टार्ट किया। कैसा है? अच्छा, इनका राइस बहुत अच्छा है। सो हमने जो राइस ऑर्डर किया था वो राइस ना कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हमें, तो हमने ना और एक मंगाया, मस्त लग रहा है। और ये अपने मतलब इंडिया को भी थोड़ा मैच कर रहा है टेस्ट में, तो हमने फिर से मंगाया और पेट भर के खाएंगे अभी, क्योंकि आगे मिलेगा नहीं, पता नहीं कैसे मिलेगा, तो अभी खा रहे हैं। 13 घंटा और जर्नी बाकी है, देखते हैं। सो गाइस यहाँ से अभी ना हम फ्रूट और ये राइस खा के निकल रहे हैं, हमारी बस अभी स्टार्ट होगी। सो गाइस चलो अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है फिर से बस में जाने के लिए, यहाँ पे बहुत अंधेरा है, अंदर जाके आपको दिखा था, अंदर का तो आपको व्यू पता है, मस्त लाइटिंग है। सो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी 7 बजे और बस कहीं तो रुकी है और बहुत नींद आ रही है। अभी यहाँ से और 4 घंटे की जर्नी बाकी है, कुछ 110 किलोमीटर बाकी है।
सो गाइस अभी देखिए यहाँ का नज़ारा पूरा, यहाँ पे बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है, पूरा सूख गया है, बादल भी क्लियर है। और अभी हम यहाँ पे रुके, यहाँ पे कॉफ़ी नाश्ता ये सब मिल सकता है क्योंकि हर्बल टी भी यहाँ की, और प्लेस तो काफ़ी बड़ा है देख सकते हो। तो गाइस हमने ना अभी ये कॉफ़ी मंगाई है जो कि 30,000 डोंग की है, कितनी बड़ी कॉफ़ी है, तो अच्छी है, चॉकलेट है। तो गाइस अभी की जर्नी ना टोटल यहाँ से 832 किलोमीटर अभी तक हम यहाँ पे आए। तो दोपहर के 2 बजे हमने जर्नी स्टार्ट की थी और अभी बजे सुबह के 7:18 हो गए। और यहाँ से अभी जैसे मैंने पूछा ड्राइवर को तो उन्होंने बोला कि 1-1.5 घंटे में आपका स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनको दिखाया मैप, मैप के अनुसार मेरा जो होटल है वो होटल अपना जो बस सेंटर है उससे कुछ 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे, तो 12 किलोमीटर मतलब 34 या फिर 40 मिनट पकड़ो। तो मैंने उनको पूछा कि अगर अंदर है तो अंदर मुझे छोड़ दो, उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आपका स्टॉप 1 घंटे में आ जाएगा, तो 1 घंटे में अपने को डायरेक्ट होटल के नज़दीकी ड्रॉप मिल जाएगा। 2 hours later फाइनली हम हमारे बस स्टॉप के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से अभी कुछ 10 किलोमीटर है हमारा होटल, और मतलब हम पहुँच चुके हैं हो ची मिन्ह सिटी साईगांव। थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने होटल के यहाँ पे। यहाँ पे बहुत धूप है देखिए। तो गाइस ये यहाँ का एक वेटिंग एरिया है जहाँ पे ना सब बस आते हैं, और यहाँ का वेटिंग एरिया देखिए कैसा है, छोटा सा है, जो सुबह हमने जो वेटिंग एरिया में वेट किया था उससे, और ये थोड़ा अलग है। जर्नी बताऊँगा आपको टोटल आने जाने की, तो ना हमें मतलब लाइक कल दोपहर को 2 बजे जर्नी स्टार्ट की थी, सो अभी बजे सुबह के 10:15 और 10:15 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ से कुछ अभी 13 किलोमीटर है हमारा होटल, और हो ची मिन्ह सिटी भी सेम मेन सिटी जो होती है वो भी सेम 13-14 किलोमीटर का ही है। तो ये लोग ना मेन सिटी में ड्रॉप नहीं करते, सिटी के बाहर ड्रॉप करते, तो अभी हमें वहाँ पे जाना है। और इस जर्नी की अगर बात करूँ तो ना कंफर्टेबल था, पर लाइक 80% आप कंफर्टेबल रहोगे, 20% आपको थोड़ा बैक और नेक का पेन होगा ही, क्योंकि ना नेक और बैक इतनी स्टेबल नहीं थी। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं हो ची मिन्ह सिटी साईगांव। तो यहाँ का ना अगर आपको ये बताओ, ये हमारा होटल है, सामने देखिए ये जो दिख रहा है आपको 5 माले की बिल्डिंग है, हमारा होटल है होटल ट्रॉन्ग 3, जिसका ना रूम इतना कुछ खास नहीं है इसलिए आपको कुछ रूम बता नहीं पाए, सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ से भी निकल रहे हैं यहाँ के लोकल मार्केट, यहाँ के लोकल शॉप और यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर करने के लिए, खाने के लिए। तो अभी बजे यहाँ के 2, और यहाँ से अभी जो हमारी जर्नी होगी वो आपको दिखेगी इस मेरे इस व्यू से, इस एंगल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।